ग्रहों की बात गुरु माँ के साथ। साईं इतना दीजिए जा में कुटुंब समाए, साईं इतना दीजिए जा में कुटुंब समाए। मैं भी भूखा ना रहूं, साधु भी भूखा न जाए। मैं भी भूखा ना रहूं, साधु भी भूखा न जाए। कबीर दास जी कहते हैं कि प्रभु मुझे इतना धन दीजिए कि मैं अपने परिवार का ठीक प्रकार से पालन पोषण कर सकूं, मेरे जीवन में किसी चीज की कमी ना हो और मेरा घर, मेरा कुटुंब उस सभी की जरूरतें मैं पूरा कर सकूं। और अगर कोई मेहमान, कोई साधु संत, कोई फकीर मुझे मिल जाए, मेरे द्वार पे आए, तो वो भी कभी भूखा ना जाए। यानी मेरा जो हाथ है वह है वो हमेशा दाता का हाथ बना रहे, कभी भी मुझे धन मांगने की आवश्यकता ना पड़े। दिवाली के इस शुभ अवसर पर आप सभी को दिवाली की शुभकामनाएं देते हुए ईश्वर से आप सभी के लिए यही प्रार्थना करती हूँ कि आपका जो हाथ है वो हमेशा दानी का हाथ बना रहे, आपके घर में भी किसी चीज की कमी ना हो और आप किसी साधु संत, किसी धार्मिक स्थान, अपने धर्म, अपनी संस्कृति का पोषण भी करते रहें। आज हम दिवाली राशिफल आपको बताने जा रहे हैं। जिन लोगों को मालूम नहीं है बता देती हूँ, दिवाली राशिफल का मतलब है कि इस दिवाली से आपकी आर्थिक स्थिति अगली दिवाली तक कैसी रहेगी, यानी कि आपका धन, आपका बैंक बैलेंस, लॉटरी लगेगी या नहीं लगेगी, गुप्त धन आपको प्राप्त होगा या नहीं होगा, आर्थिक समस्याएं क्या आएंगी नहीं आएंगी, कैसा आर्थिक वर्ष, धन के मसले में ये वर्ष कैसा रहेगा, प्रॉपर्टी, वाहन इत्यादि खरीद पाएंगे या नहीं, ये सारी बातें हम आपको बताएंगे, जो कि इस दिवाली से अगली दिवाली तक, यानी इस दिवाली के एक वर्ष से अगली दिवाली तक आपके लिए लागू होगा। और साथ ही अंत में मैं आपको आपकी राशि के अनुसार बताऊंगी कि अगर आप इस दिवाली पे अपने लिए लॉटरी लेना चाहते हैं तो किन राशि वालों को शुभ परिणाम प्राप्त होंगे और उसके लिए आपको क्या करना चाहिए। तो अंत तक इस वीडियो को जरूर देखिएगा। और ऐसे ही हमारा डेली का राशिफल प्राप्त करने के लिए आप हमारा जो नया चैनल है गुरु माँ फाउंडेशन, उसे सब्सक्राइब करना मत भूलिए। आपको वहां पर मेरे द्वारा डेली का राशिफल आप सभी राशियों के लिए बताया जाता है, तो आप उसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और उस चैनल से भी जुड़ जाएं। दिवाली इस वर्ष 14 नवंबर 2020 को पड़ेगी, दिन शनिवार होगा, कृष्ण पक्ष रहेगा, मास जो है वो कार्तिक मास रहेगा और चतुर्दशी जो तिथि है वो 2:17 तक रहेगी, उसके बाद अमावस्या तिथि लग जाएगी। पूजा का मुहूर्त मैं आपको बता देती हूँ, जब दिवाली की जो मेन पूजा जो आप करेंगे अपने घर पे, उसका मुहूर्त जो है वो 5:28 के बाद से 7:24 के बीच में रहेगा। ये वृषभ काल रहेगा, वृषभ लगन लगी रहेगी और इसमें पूजा करना माता लक्ष्मी को बहुत अधिक प्रिय है। मुहूर्त के विषय में भी आपको समझा देती हूँ, बहुत लोग बहुत कंफ्यूज रहते हैं। मुहूर्त का मतलब है कि आपको अपनी पूजा इस समय में स्टार्ट करनी है, यानी 5:28 के बाद ही आप अपनी पूजा शुरू करें और खत्म होने की उसमें कोई सीमा नहीं होती है। जब तक भी पूजा आपकी चलती है इट्स ओके, ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि आपने उसमें ही खत्म करना है। शुरुआत आप बस उस पूजा का 5:28 के बाद ही करें और मेरे हिसाब से तो लगभग 6:00 के आसपास करें, ताकि वृषभ लगन उस समय स्थिर हो जाए, थोड़ी और मजबूत हो जाए, तो उस समय आप करें तो ज्यादा आपके लिए बेहतर होगा। राहु काल इस दिन जो रहेगा वो 9:26 सुबह से लेकर के 10:46 सुबह तक रहेगा। अभिजीत मुहूर्त यानी कि अगर आप सुबह कोई शुभ कार्य करना चाहते हैं तो 11:44 से 12:27 दोपहर तक आप कर सकते हैं। ये जो राशिफल है ये आपकी चंद्र कुंडली पर आधारित है और साथ में देवी शक्तियों से जो मुझे दिव्य ज्ञान प्राप्त होता है ध्यान मार्ग से, ये उस पे आधारित है। अगर आपको हमारा राशिफल नहीं सूट करता है तो इसके केवल दो ही कारण हो सकते हैं, या तो आपको आपकी चंद्र राशि ठीक से मालूम नहीं है,
तो आप अपनी जन्म कुंडली दिखा करके अपनी चंद्र राशि जरूर पता करें। या दूसरा कारण हो सकता है कि आपके ग्रह इतने खराब चल रहे हैं कि आपको आसमान में किसी भी परिवर्तन का जो प्रभाव है वो नहीं आ पा रहा है। तो ऐसे में अपनी महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर, गोचर इत्यादि अपने पर्सनल हॉरोस्कोप की पर्सनल कुंडली जो कि डेट ऑफ बर्थ के आधार पर बनती है, आपके जो जन्म का समय होता है उसके आधार पर बनती है, उससे आप निकालें तो आपको आपकी पर्सनल डिटेल्स, अपनी पर्सनल हॉरोस्कोप, आपकी कुंडली पता चलेगी और उसमें कौन से ग्रह चल रहे हैं, किसकी दशा कैसी चल रही है वो आपको पता चलेगा, ताकि आप ये जान सके कि क्यों आपको राशिफल भी सटीक नहीं बैठता है, क्यों ग्रहों की जो भी हलचल हो रही है ऊपर, क्योंकि ग्रह तो आपको पता है आसमान में घूमते ही रहते हैं, ब्रह्मांड में घूमते ही रहते हैं और हर व्यक्ति को प्रभावित भी करते हैं। बहुत से लोग हैं इस बात को मानते नहीं है कि कैसे ग्रह हमें प्रभावित कर सकते हैं, तो हमारे कर्म है जो हमें प्रभावित करते हैं, लेकिन जो ग्रह है वो हमें बहुत प्रभावित करते हैं। आइए आपको एक छोटा सा वीडियो दिखाती हूँ जहाँ लोग खुद एक्सपीरियंस करते हैं एस्ट्रोलॉजी क्या है, हमारे पास आकर के, हमारे शनिपीठ मंदिर में आकर के, और वो क्या फील करते हैं, चलिए जानते हैं। मेरा नाम हरिपाल है, मैं होशियारपुर डिस्ट्रिक्ट पंजाब का रहने वाला हूँ। मैं लगभग एक महीने पहले यहाँ गुरु जी के पास आया था, तो उस समय मैं बिल्कुल जीरो रखा था, जैसे मेरा कोई भी काम नहीं हो रहा था। लेकिन जैसे ही गुरु जी ने मेरी कुंडली देख के मेरे को बताया कि सारे ग्रह खराब है, तो उनके अनुसार से जो उन्होंने मेरे को उपाय करने के लिए बताया और ये जो रिंग्स पहन रखी है मैंने, उन्होंने डालने के लिए बोला और मैंने उनको फॉलो किया, और फॉलो होने के बाद में मेरे को कम से कम 20 से 22 दिन में मेरे को रिजल्ट मिलने शुरू हुए। और आज मेरे इमिग्रेशन के काम में मेरे कम से कम भी 5 वीजा हो चुके हैं मेरे, अभी और भी काम हो रहे हैं मेरे बाकी। और लोगों के लिए आप कोई मैसेज देना चाहेंगे? मार्केट में बहुत सारे फेक लोग घूमते हैं जो कि दावे करते हैं कि मैं ये हम ये पहनाते हैं वो करते हैं, मैं बहुत ज्यादा हुआ हूँ। लेकिन मैं सबसे ये विनती करता हूँ, साधन निवेदन करता हूँ कि आप यहाँ आओ, गुरु जी को एक बार अवसर दो, आप अपनी जन्म कुंडली दिखाएं और जैसे गुरु जी बोले वैसे करो, आपको जरूर फायदा होगा। चलिए अब जानते हैं दिवाली के दिन आसमान में ग्रहों की क्या स्थिति रहेगी और वो किस प्रकार से आपको इफेक्ट करेंगे, क्या आपके ऊपर प्रभाव डालेंगे, चलिए जानते हैं। दिवाली के दिन सूर्य जो है, जो सभी ग्रहों के राजा हैं, वो तुला राशि में रहेंगे और यहाँ नीच के रहेंगे। ये एक अच्छा संकेत नहीं है, लेकिन चंद्रमा जो है वो तुला राशि में प्रवेश कर रहे हैं और ये बहुत अच्छा संकेत है, क्योंकि माता लक्ष्मी तुला राशि वालों पर बहुत ही कृपावान होती हैं, बहुत कृपा करती हैं, तो ये एक शुभ संकेत है। धन के मसले में लोगों को लाभ अवश्य होगा। मंगल जो है वो वक्री नहीं रहेंगे, मार्गी हो जाएंगे और मीन राशि में बने रहेंगे। बुध भी मार्गी हो जाएंगे, तुला राशि में बने रहेंगे, सूर्य के साथ बैठेंगे तो बुध आदित्य योग का निर्माण करेंगे। बृहस्पति ग्रह, गुरु ग्रह जो है वो अपनी राशि धनु राशि में रहेंगे। शुक्र जो है यहाँ थोड़ी सी समस्या है, क्योंकि वो कन्या राशि में बैठेंगे और यहाँ नीच के रहेंगे। शनि जो है वो मकर राशि में अपनी राशि में रहेंगे, वृषभ राशि में राहु रहेंगे और वृश्चिक राशि में केतु बने रहेंगे। बहुत से लोग मुझसे पूछते हैं कि गुरु माँ, हम तो दिवाली अपने परिवार के साथ मनाते हैं, हम दिवाली इस प्रकार से मनाते हैं, रिश्तेदारों के पास जाते हैं, लेकिन आप दिवाली पे क्या करते हैं? देखिए, मेरे लिए तो आप सभी मेरा परिवार है और इस वर्ष मैंने सोचा है कि कुछ अनाथ आश्रम में जाते हैं और वहां जाके जो बच्चे हैं उनके साथ समय बिताते हैं, उनको उनकी जरूरत की चीजें देते हैं और उन्हीं के साथ इस वर्ष मैं दिवाली मनाने वाली हूँ। और आपसे भी साथ ही निवेदन करूंगी, अगर आपके आसपास कोई भी जरूरतमंद है तो उसको कुछ ना कुछ अवश्य देना, ताकि आपकी दिवाली अगर आप अच्छी चाहते हैं तो किसी और के घर को रोशन जरूर करना, उनको अच्छा लगेगा, आप उनको खुशियां प्रदान करेंगे तो वो भी आपको दुआएं देंगे, वो दुआएं बहुत काम आती हैं। तो जैसा कि हमेशा मैं अपने शिष्यों को सिखाती हूँ, मनुष्य धर्म परमो धर्म, मनुष्य का धर्म जो है वो सबसे बड़ा धर्म है, तो उसे निभाओ। आपके आसपास कोई भी जरूरतमंद व्यक्ति हो उसकी सहायता जरूर करना, चाहे कम कर दो, चाहे आज आपके पास ज्यादा धन नहीं है, करना बहुत कुछ चाहते हो मुझे मालूम है, लेकिन जितना भी है थोड़ा सा उनके लिए जरूर निकालना। चलिए अब शुरू करते हैं आपकी राशि के बारे में, जानते हैं कि ये आपका आर्थिक वर्ष कैसा रहेगा। चलिए सबसे पहले बात करेंगे मेष राशि की, यानी कि एरीज राशि की। मेष राशि वालों, इस वर्ष आप धन प्राप्ति के लिए स्वयं पर विश्वास करें और अपनी मेहनत से, परिश्रम से अपनी धन की स्थिति को स्थिर बनाएं। प्रॉपर्टी को लेकर आपको कई सारी चिंताएं सता सकती हैं, धन कमाने के नए अवसर प्राप्त होंगे, व्यापार में बदलाव भी कर सकते हैं, नई चीजें सीखने और उसे अपने व्यापार या नौकरी में लगाने के योग बन रहे हैं। जिनका काम विदेश से संबंधित है, वर्ष के अंत में अच्छी खबर उन्हें प्राप्त होगी। इस वर्ष व्यापार को बढ़ाने के लिए, धन को बढ़ाने के लिए यात्राएं हो सकती हैं।
लोगों के बीच में आपकी धाक जमेगी। नया वाहन खरीद या बेच सकते हैं। सावधानी, जल्दबाजी में निर्णय ना लें, धैर्य रखें। दिवाली पूजा का उपाय, माता लक्ष्मी को लाल वस्त्र एवं सिंदूर अवश्य चढ़ाएं। चलिए अब बात करते हैं वृषभ राशि की, यानी कि टॉरस राशि की। वृषभ राशि वालों, इस वर्ष पैसों को लेकर आप कुछ कंजूस हो जाएंगे। आप खर्चा करने से भी हिचकिचाएंगे। धन को लेकर के रिश्तेदारों में मतभेद उत्पन्न हो सकता है। साल की शुरुआत में संघर्ष द्वारा ही धन की वृद्धि हो सकती है, पर अंत तक आपकी स्थिति अच्छी हो जाएगी। जो व्यक्ति घर लेने का प्रयास कर रहे हैं, साल के अंत में अगली दिवाली तक घर खरीदने के, प्रॉपर्टी खरीदने के योग बन रहे हैं। साल के अंत में आप किसी जगह निवेश करेंगे जिससे धन में वृद्धि होगी। नया व्यापार भी खोल सकते हैं। नौकरी पेशा लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। पति या पत्नी से या प्रेमिका से धन प्राप्ति में सहयोग मिलेगा। सावधानी, उधार देने से बचें। उपाय, दिवाली पूजा में माता महालक्ष्मी को श्रृंगार का सामान अवश्य चढ़ाएं। चलिए बात करते हैं मिथुन राशि की, यानी कि जेमिनी राशि की। इस वर्ष धन इकट्ठा करने में मिथुन राशि वालों को काफी मशक्कत करनी पड़ेगी। नौकरी पेशा व्यक्तियों को नौकरी जाने का खतरा बना रहेगा। धन संबंधी समस्या एवं खर्चे आपका पीछा नहीं छोड़ेंगे। घर में कोई व्यक्ति बीमार हो सकता है जिसके इलाज में काफी पैसा लगेगा। अगली दिवाली तक आर्थिक स्थिति को आप संभाल लेंगे और आपका अधिकार आपको प्राप्त होगा। अगर किसी प्रॉपर्टी में हाथ डाला हुआ है तो डील खत्म करने में दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। बीच में कुछ महीने अच्छे बीतेंगे, पैसों की आवाजाही बनी रहेगी। व्यापारियों को काम में नुकसान हो सकता है, कर्मचारियों की ओर से दिक्कत आ सकती है। सावधानी, पैसा सोच समझकर खर्च करें या निवेश करें। उपाय, दिवाली पूजा में माता लक्ष्मी को केसर का तिलक अवश्य लगाएं। चलिए अब बात करते हैं कर्क राशि की, यानी कैंसर राशि की। इस वर्ष धन प्राप्ति के लिए आपको अपने मन को मजबूत बनाना होगा। इमोशंस को कंट्रोल करें और चुनौतियों का सामना करें। साल के मध्य में अधिक धन की प्राप्ति होगी। स्त्री वर्ग से सहयोग की प्राप्ति होगी। प्रॉपर्टी खरीदने बेचने में सावधान रहें, धोखाधड़ी का शिकार हो सकते हैं। अगली दिवाली तक धन प्राप्ति के बावजूद मन अशांत रहेगा और विरक्ति की ओर जाएंगे। नौकरी करने वाले लोगों के लिए धन की स्थिति सामान्य बनी रहेगी। खर्चे अधिक ना करें तो बचत भी हो सकती है, विशेषकर पानी, दूध, लिक्विड प्रोडक्ट्स, मिठाई की दुकान, बेकरी, पब्लिक सेक्टर में काम करने वाले व्यक्ति इस वर्ष लाभ की प्राप्ति करेंगे। सावधानी, बुद्धि से काम लें, मन पर नियंत्रण रखें। उपाय, माता लक्ष्मी को पूजा में कर्क कौड़ी अवश्य चढ़ाएं। चलिए बात करते हैं सिंह राशि की, यानी कि लियो राशि की। इस वर्ष सिंह राशि वालों को धन और सुख दोनों की प्राप्ति होगी। नए काम की शुरुआत कर सकते हैं या पुराना काम बदल सकते हैं। आपके प्रियजनों का सहयोग आपको प्राप्त होगा। नए बिजनेस पार्टनर या इन्वेस्टर आपको मिल सकते हैं। प्रॉपर्टी, हीरे जवाहरात या गहने भी खरीद सकते हैं। अगली दिवाली के आसपास समस्या उत्पन्न हो सकती है। नौकरी पेशा व्यक्ति को मान सम्मान प्राप्त होगा। साल के मध्य में प्रमोशन हो सकता है। स्वयं को सुधारने पर आप काम करेंगे जिसके कारण लोगों से प्रशंसा और इनाम दोनों प्राप्त होगा। सावधानी, सपनों की दुनिया में ना रहे, प्रैक्टिकल बने। उपाय, दिवाली पूजा में माता लक्ष्मी पर पीली सरसों अवश्य चढ़ाएं। चलिए बात करते हैं अब कन्या राशि की, वर्गो राशि की। कन्या राशि वालों के लिए इस वर्ष की स्थिति में काफी सुधार नजर आ रहा है। साथ ही ईश्वर की कृपा आपको प्राप्त हो रही है। भविष्य सुनहरा दिखाई दे रहा है। हालांकि मेहनत बहुत करनी पड़ेगी, परंतु मेहनत का फल अवश्य प्राप्त होगा। घर में किसी मांगलिक कार्य में धन खर्च हो सकता है। साल के मध्य वाहन खरीदने, प्रॉपर्टी में निवेश कर सकते हैं। नौकरी करने वाले व्यक्तियों के लिए समय थोड़ा कठिन होगा, क्योंकि उन्हें अपनी इच्छाएं पूरी करने के लिए कड़ा परिश्रम करना होगा और अपनी बॉस और अधिकारी के सामने स्वयं की क्षमताओं का प्रमाण बार बार देना होगा। सावधानी, स्वास्थ्य का ख्याल रखें। उपाय, दिवाली पूजा में माता लक्ष्मी को पान, सुपारी, इलायची अवश्य अर्पित करें। चलिए बात करेंगे तुला राशि की, यानी कि लिब्रा राशि की। भाग्य की चक्री ऊपर नीचे होती रहेगी।
पर जब ऊपर आएगी तो आपको बहुत कुछ देकर जाएगी। तुला राशि वाले व्यक्तियों के व्यवसाय का पुनर्जन्म हो सकता है, किसी नए काम की शुरुआत कर सकते हैं। कई सारे लोग नौकरी छोड़कर या ना मिलने पर नया बिजनेस खोल सकते हैं। जो लोग पहले से ही व्यापार कर रहे हैं, मार्केट में उन्हें कॉम्पिटिशन का सामना करना पड़ेगा। अपने काम को जमाए रखने के लिए काफी मेहनत भी करनी पड़ेगी। प्रॉपर्टी यदि बेचना चाहते हैं तो उसमें दिक्कतें आएंगी, उपाय अवश्य करें। अगली दिवाली के आसपास घर या घर को सजाने का सामान या वाहन खरीद सकते हैं। सावधानी, इमोशन पर कंट्रोल रखें, भावुक ना बने। उपाय, दिवाली पूजा में माता लक्ष्मी को सफेद वस्त्र और आभूषण अवश्य समर्पित करें। चलिए बात करते हैं वृश्चिक राशि की, यानी कि स्कॉर्पियो राशि की। वृश्चिक राशि वालों को इस वर्ष मित्रों का सहयोग मिलेगा और शत्रु भी घात लगाए बैठे रहेंगे। कोर्ट कचहरी में यदि प्रॉपर्टी का केस चल रहा है तो वह आपके हाथ से निकलता हुआ दिखाई दे रहा है, उपाय अवश्य करें। इस वर्ष धन की हानि हो सकती है, साल के अंत आते आते व्यापार में धन की प्राप्ति होगी। नौकरी करने वाले व्यक्तियों के लिए स्वयं को नौकरी में बनाए रखने के लिए संघर्ष का समय है, पर फिर भी चाहा हुआ फल नहीं मिलेगा। इस वर्ष चोरी या ठगी हो सकती है, सावधान रहें। इस वर्ष यदि नया काम करना चाहते हैं तो टाल दें, और करना है तो अवश्य ही उपाय करके करें। सावधानी, अपने सामान की रक्षा के लिए सावधान रहें। उपाय, माता लक्ष्मी को पूजा में अनार अवश्य चढ़ाएं। चलिए बात करते हैं हम धनु राशि की, यानी सैजिटेरियस राशि की। धनु राशि वालों की इस वर्ष प्रार्थना अवश्य सुनी जाएगी, पर जितना सोच रहे थे उतना धन लाभ इस वर्ष नहीं होता दिख रहा है। धनु राशि वाली महिलाओं के लिए समय अनुकूल है। यदि घर से ही कोई नया व्यापार शुरू करना चाहती हैं तो समय उत्तम रहेगा। घर में सगाई, शादी, गोद भराई, नया वाहन खरीदना, मकान खरीदना, गृह प्रवेश इत्यादि जैसे शुभ कार्य हो सकते हैं जिसमें काफी पैसा खर्च होगा, परंतु चिंता की कोई बात नहीं है। आने वाले समय में आप अपने धन को इकट्ठा कर लेंगे। नौकरी में आपको अपने साथियों का, अधिकारियों का अथवा बॉस का सहयोग प्राप्त होगा और मिलजुल के आप अपने कार्य को अच्छे से कर पाएंगे। जो लोग प्रमोशन का इंतजार कर रहे हैं, इस वर्ष प्रमोशन भी हो सकता है। सावधानी, मन पर काबू रखें, ज्यादा इमोशनल ना बने। उपाय, माता लक्ष्मी को पूजा के दौरान हल्दी का तिलक अवश्य लगाएं। चलिए बात करते हैं मकर राशि की, यानी कैप्रिकॉन राशि की। इस वर्ष मकर राशि वालों को धन का ऊपर नीचे देखना पड़ेगा, परंतु अच्छी संभावनाएं उनके लिए बनती रहेंगी। बुद्धि कौशल का प्रयोग करने से आप धन के नए रास्ते भी खोल सकते हैं। कोर्ट में यदि कोई प्रॉपर्टी का केस चल रहा है तो फैसला इस वर्ष आपके हित में हो सकता है। शत्रुओं से सावधान रहने की आवश्यकता है, कोई आपको धोखा दे सकता है या आपके साथ बेईमानी कर सकता है। नौकरी करने वाले लोगों के लिए धन में वृद्धि होगी, प्रमोशन के चांस भी बनते हैं। आप इस वर्ष हिम्मत से डटे रहेंगे और अपने सोचे हुए कार्य को पूरा करेंगे। अगली दिवाली के आसपास कुछ समस्याएं आपको सता सकती हैं और धन अधिक खर्च हो सकता है। सावधानी, किसी को पैसा देने से पहले उसकी जांच पड़ताल अवश्य करें। उपाय, माता लक्ष्मी को पूजा में चांदी का कोई आभूषण या सिक्का अवश्य चढ़ाएं। चलिए बात करेंगे कुंभ राशि की, यानी एक्वेरियस राशि की। इस वर्ष कुंभ राशि वालों के लिए समय उनके हित में रहेगा। अपने मन की अभिलाषाएं पूरा करने का समय है। कोई नया काम शुरू करना चाहते हैं तो इस वर्ष कर सकते हैं। महिलाओं का विशेषकर सहयोग मिलेगा। साल के मध्य में वाहन खरीद सकते हैं। मानसिक रूप से दृढ़ बने रहेंगे। घर के लिए कुछ पैसे इकट्ठे कर पाएंगे। कोई नया कोर्स भी कर सकते हैं। जॉब करने वालों के लिए समय अच्छा है। आप अपनी मेहनत से अपने सीनियर्स को प्रभावित कर पाएंगे और प्रमोशन के चांस भी बना पाएंगे। विदेशों से यदि कोई काम करते हैं तो लाभ की प्राप्ति होगी। इस वर्ष सोना या उसके आभूषण भी खरीद सकते हैं। घर में खुशहाली रहेगी। ओवरऑल समय बहुत अच्छा है, इसका लाभ उठाएं। सावधानी, आलस से बचें, समय सही है, मेहनत से फल की प्राप्ति अवश्य होगी। उपाय, दिवाली पूजा में माता लक्ष्मी को साफ सुथरा ताजा कमल का फूल अवश्य अर्पित करें। चलिए बात करते हैं मीन राशि की, यानी कि पाइसिस राशि की। मीन राशि वालों को इस वर्ष उन्नति की प्राप्ति होगी। आप बहुत सारा धन इकट्ठा कर पाएंगे, परंतु खर्चे भी साथ साथ चलते रहेंगे। घर खरीदना चाहते हैं तो प्रॉपर्टी खरीदने के योग बन रहे हैं। जॉब में
किसी सीनियर पोस्ट तक पहुंच सकते हैं, अगली दिवाली के आसपास धन को लेकर चिंतित हो सकते हैं, कोई नुकसान भी उठा सकते हैं। इस वर्ष आप इमोशनल बने रहेंगे, परंतु ध्यान देने की आवश्यकता है कि आप भावनाओं में बहकर अपना नुकसान ना कर लें। नौकरी में काफी बिजी रह सकते हैं, खुद के लिए समय नहीं निकाल पाएंगे, पूरा साल काम काज में निकल जाएगा। पब्लिक सेक्टर से जुड़े लोगों को विशेष कर लाभ होगा, इस वर्ष घर में कोई शुभ कार्य हो सकता है। सावधानी, खर्च और कमाई के बीच में बैलेंस बनाकर चलें। उपाय, दिवाली पूजा में आम के पत्ते अवश्य रखें एवं दिवाली के दिन मंदिर अवश्य जाएं। तो चलिए अब जानते हैं जिस चीज के लिए आप प्रतीक्षा कर रहे हैं कि लॉटरी का राशिफल आपके लिए इस वर्ष कैसा रहेगा। मैं आपको आपकी राशि अनुसार बताने वाली हूँ कि आपको लॉटरी से धन प्राप्त हो सकता है या नहीं हो सकता है, लेकिन आप इस बात का ध्यान करिए कि आप अपने पर्सनल हॉरोस्कोप यानी अपनी जन्म कुंडली में अवश्य ही चेक कर लीजिए कि आपको लॉटरी का योग वास्तव में आपके जीवन में है या नहीं। क्या वो ऐसे ग्रह आपकी कुंडली में बैठे हैं, योग बनाते हैं जिससे कि आपको लॉटरी से, शेयर मार्केट से, इन सभी जगहों से धन प्राप्त हो या नहीं हो, तभी आपको ये चीज फलेगी। अगर आपकी जन्म कुंडली में ऐसी चीज नहीं है, ऐसा योग नहीं है, तो फिर आपको ये राशि फल नहीं लगेगा, विफल हो जाएगा। तो आप अपनी जन्म कुंडली अवश्य एक बार चेक करा लें। हमारे मंदिर में अगर आप जन्म कुंडली चेक कराना चाहते हैं मुझसे या हमारे गुरु जी गुरु रजनी शिशि जी से या स्वामी जी से, तो आप एक अपॉइंटमेंट हमारे यहाँ ले सकते हैं और व्हाट्सएप वीडियो कॉल पे हम आपसे बात करते हैं। जन्म कुंडली देखेंगे, आपको बताएंगे कि आपके जीवन में लॉटरी संबंधी योग है या नहीं, उससे आपको धन प्राप्त हो सकता है या नहीं हो सकता है, या धन विशेषकर आपके जीवन में कहां से आएगा, उन्नति धन की बरकत किस जगह से आएगी वो भी आपको देख के बताएंगे, और कोई समस्या है तो वो भी अवश्य बताएंगे। इस सेवा के लिए हम एक छोटी सी फीस लेते हैं जो कि हमारे शनिपीठ मंदिर के संचालन के काम आती है, और साथ ही जो सामाजिक कार्य हम करते हैं, धार्मिक कार्य करते हैं, यज्ञ महायज्ञों का आयोजन होता है, बहुत सारी गरीब लड़कियों को पिछले 8-9 वर्षों से मैंने कंप्यूटर की एजुकेशन दी है, और आगे भी ये सुचारू रूप से व्यवस्था चलती रहे उसके लिए हम इस धन को प्रयोग करते हैं। और साथ ही जो लंगर सेवा इत्यादि होती है, जो समय समय पर हम आयोजन करते रहते हैं, मानव धर्म का पालन करने का प्रयास करते हैं, वो सभी काम आपकी इसी दी हुई फीस से किया जाता है। तो अपनी जन्म कुंडली दिखाने के माध्यम से एक और तो आप अपने ग्रहों को सुधार सकते हैं, जीवन को सुधार सकते हैं, और किसी व्यक्ति के जीवन में, किसी ऐसे असहाय व्यक्ति के जीवन में जिसे बहुत ज्यादा आवश्यकता है हमारे सहायता की, उसका जीवन भी आप सुधार सकते हैं। तो एक अपॉइंटमेंट लेके आप अवश्य हमसे बात करें, और जन्म कुंडली देखने के साथ साथ उसी फीस में मैं आपको मंत्र सिद्ध करके एक रत्न की अंगूठी भी देती हूँ ताकि आपकी परेशानियों में आपको लाभ पहुंचाया जा सके। तो चलिए शुरू करते हैं आपका राशिफल लॉटरी से संबंधित। मेष राशि वालों को इस वर्ष लॉटरी नहीं खेलनी चाहिए क्योंकि उन्हें धन की हानि इससे हो सकती है। वृषभ राशि वालों को अगर इन सभी कार्यों से यानी लॉटरी, शेयर मार्केट इत्यादि से उन्हें धन की प्राप्ति चाहिए, तो उन्हें अपने लाइफ पार्टनर जो उनका जीवन साथी है उनके नाम से ये सब करना चाहिए, तो उन्हें लाभ की प्राप्ति होगी। मिथुन राशि वालों को इस साल कतई बिल्कुल भी लॉटरी इत्यादि में पैसा नहीं लगाना चाहिए क्योंकि उससे उनको नुकसान ही होगा। कर्क राशि वाले अगर ऐसा करना चाहते हैं तो वो अपने प्रेमी या प्रेमिका के नाम से करें तो उन्हें लाभ की प्राप्ति हो सकती है, लेकिन चांसेस कम है। सिंह राशि वाले अगर लॉटरी खेलना चाहते हैं और इससे धन कमाना चाहते हैं तो अपनी माता के नाम से अगर करेंगे तो उन्हें लाभ की प्राप्ति हो सकती है। कन्या राशि वाले, उनको सलाह है कि इस वर्ष लॉटरी इत्यादि में पैसा बिल्कुल ना लगाएं, उनकी राशि में ऐसा कोई योग नहीं बन रहा है। तुला राशि वाले बिल्कुल ले सकते हैं, बहुत प्रबल और अच्छे चांसेस बने हुए हैं, आप धन प्राप्ति कर सकते हैं। वृश्चिक राशि वालों के लिए भी बहुत अच्छा समय है, वो भी लॉटरी इत्यादि में अपना भाग्य आजमा सकते हैं। धनु राशि वाले जो है, इनको सलाह नहीं दी जाती है वो लॉटरी इत्यादि नहीं खेले क्योंकि उनको लॉस हो सकता है। मकर राशि वालों के लिए भी बहुत अच्छे चांस बने हुए हैं, अगर आप लॉटरी इत्यादि में अपना हाथ आजमाना चाहते हैं, भाग के ट्राई करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। कुंभ राशि वालों के लिए थोड़े से चांसेस हैं, करना चाहते हैं तो थोड़ी सी इन्वेस्टमेंट के साथ शुरू कर सकते हैं। मीन राशि वालों का भाग्य उनका साथ देगा तो आप भी अगर चाहें तो लॉटरी इत्यादि से पैसा कमा सकते हैं, लेकिन साथ ही आपको कहना चाहूंगी इन सब में पैसा लगाने से पहले अपनी जन्म कुंडली आपको अवश्य ही चेक करा लेनी चाहिए। और अगर आपको लकी नंबर अपना नहीं पता है कि किस नंबर से आपको क्या करना है, तो हमने एक वीडियो बनाया है जहां हर राशि के हिसाब से आपको लकी नंबर निकालना सिखाया है।
उस वीडियो का लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रही हूँ, आप उसे क्लिक करिए। अपनी राशि के अनुसार आप उस वीडियो को देखिए, अवश्य ही आपको पता चलेगा अपना लकी नंबर आपको कैसे निकालना है और उसके हिसाब से आप अपनी किस्मत को आजमा सकते हैं। हो सकता है माता लक्ष्मी आप पर इस वर्ष प्रसन्न हो जाए। आप सभी को दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं फिर से दे रही हूँ। आपकी दिवाली शुभ हो, मंगलमय हो, ईश्वर से मेरी प्रार्थना है, आशीर्वाद है मेरा दिवाली के लिए आपको, आपके परिवार को, आपके बच्चों को। जय शनिदेव। हमारे द्वारा बनाई गई और वीडियोस को यहाँ पर क्लिक करके आप देखते रहिए।